मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद के पास है। दूसरा प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को अवाद योग्य किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है, यानी इस पर वाद विवाद नहीं किया जा सकता। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इन्हें अवाद योग्य बनाने का उल्लेख अनुच्छेद 37 के तहत है। खुफिया एजेंसियों के कार्मिकों के मूल अधिकारों को कम करने की शक्ति जो है वो किस में निहित है? तो इनके अधिकारों को, यानी इनके जो मूल अधिकार हैं, उनको कम करने की शक्ति भारत की संसद के पास है। चौथा प्रश्न है कि संविधान के भाग चार में क्या वर्णित है, यानी भाग चार में किस बात का वर्णन है? तो संविधान का जो भाग चार है, उस भाग चार में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेदों में है? तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो है।